भिंडी तो अपना बाड़ी का है भाई, आज बेच रहा हूँ इतना सारा भिंडी को बाड़ी का। आजा ये टमाटर करेला भिंडी वाले सस्ता ही मेल मिली। ये अपना मूसन है और ये जो मचे भाई साहब वो अपना प्रॉफिट निकला है आज। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो अभी बज गए हैं दोस्तों सुबह के 8:40 और अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ, भिंडी हार्वेस्ट की हूँ उसको लेकर, और कल का टमाटर और क्या बोलते हैं करेला भी बचा हुआ है लेकिन उसको रिटेल मार्केट ले जाऊँगा, भिंडी बस को होलसेल में बेचेंगे, और आलू बचा है उसको शाम को ले जाएंगे अभी लखरपुर मार्केट में, करेला और टमाटर बस को ले जाता हूँ वहाँ पे, ऑटो पे डालना है सुनील भैया के ऑटो में, और उसके साथ और कुछ कुछ सब्जियाँ खरीदूँगा यार। अब दो ही सब्जी थोड़ी लेके जाऊँगा, टमाटर भी ज़्यादा नहीं है, 9 किलो के आसपास बचा है, जो भी रहेगा उसको देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। अभी गाइस मार्केट पहुंच चुके हैं और ये देखो भाई भिंडी को नीचे में रखे हैं, अभी टमाटर और करेला को नीचे में डाल दिए हैं, अभी मेरा बस सब्जी है और ये हमारे गणपत सेठ। गुड मॉर्निंग, कल तो पूरा सब्जी बेच लिए थे आप? कल पूरा बिक गया था, हमारा ही नहीं बिका यार, ग्राहक बनाना पड़ेगा। हाँ। चलो गाइस अभी तो फिलहाल लॉस में चल रहे हैं, कल का 600 रुपये का लॉस में चल रहे हैं, आज देखते हैं क्या होता है, रिकवर हो पाएगा या नहीं ये शाम को पता चलेगा। और भिंडी को भी सोच रहा हूँ यार मैं रिटेल के लिए ही रख लूँ करके, रेट नहीं है बता रहे थे ना यार, रेट नहीं है ना, रेट नहीं है भाई आज, आज डाउन है, 13 रुपये खुला बता रहे हैं यार, आप सोच लो अब कितना बिकेगा वो लास्ट में, ठीक 7-8-10 हो जाएगा, अब वहाँ चिल्हर में 20 बिक जाएगा तो रख लिए रहता हूँ, लेकिन ये भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यार, कम से कम 15 किलो ही ठीक रहता मेरे लिए, 25 किलो के आसपास होगा, चलो इसको तौलेंगे अभी, अभी तो चलते हैं भाई मार्केट साइड। अभी गाइस किसान मार्केट साइड आया हूँ और भिंडी आज बहुत ज़्यादा दिख रहा है यार, ये देखिए उधर लाइन से रखा हुआ है भिंडी और अच्छा भीड़ है आज मार्केट, इधर भी देखो भिंडी रखा हुआ है, इस साइड भी भिंडी रखा हुआ है, आज भिंडी का रेट डाउन हो गया, कल 15-16 रुपये किलो चला था और आज 11-12-13 रुपये तक जा रहा है। अभी गाइस कमीशन मंडी साइड गए थे और वहाँ से 1 कैरेट टमाटर ले लिए हैं, 720 रुपये कैरेट बड़ा है लगभग यार, चलो इसको ऑटो में डाल देते हैं, चलो गाइस टमाटर को ऑटो में डाल दिए हैं, ये देखो अभी उधर जमा रहे हैं चंदू भैया। चलो गाइस अभी फिर से चलते हैं मार्केट साइड, देखते हैं कुछ और मिल जाए तो, वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, भिंडी बस ज़्यादा रखा हूँ अपना बाड़ी का और टमाटर 1 कैरेट लिया, बाकी कल का करेला बचा हुआ है वही 8 किलो के आसपास, और आलू को हो सकेगा तो ले जाऊँगा। अभी गाइस फिर से ऑटो के पास आ चुका हूँ और ठीक से सामान समझ नहीं आ रहा है यार मुझे, तो मैं नहीं ले रहा हूँ अलग से, वहाँ जगह का दिक्कत है, एकदम छोटा सा जगह है वो भी दूसरे का है, तो ज़्यादा सब्जी नहीं ले जा रहा हूँ, अभी यहाँ से निकलते हैं यार, बहुत धूप कर रहा है प्लस वीडियो भी एडिट करना है गाइस। अभी बज गए हैं दोस्तों शाम के 3:30 और अभी हम लोग मार्केट आ चुके हैं और जल्दी जल्दी में वीडियो भी नहीं बना पाया यार, बहुत जल्दी हो गया था। और ये देखो ऑटो पैक है, अभी सामान को उतार रहे हैं, है ना भैया? आनंद भाई जल्दी जल्दी रोज ब्लॉग करना भूल जाता है। नहीं यार आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया था, सुनील भैया कॉल किया तो। चलो अब सामान को उतार लेते हैं, अभी गाइस सब्जी को उतार के दुकान को लगा लिए हैं, ये देखिए भिंडी है, टमाटर है और करेली है और आलू है, कल का बचा वाला आलू है भाई, वही 10 किलो के आसपास है लगभग, 10-10.5 किलो था, इसमें से 1 किलो तो लगभग निकाल लिए हैं, 9.5 किलो ही आप 9.5 किलो ही होगा, चार ही आइटम है ज़्यादा नहीं है। टमाटर को देखो यार आज का टमाटर मस्त तगड़ा से है, लाल लाल, लेकिन वजन कम आया है इसका, भर्ती आज का भर्ती थोड़ा कम आया है यार टमाटर का, कल का ठीक था लेकिन कल बिका नहीं था और छोटा छोटा टमाटर था, कल भी बिका नहीं था उसको इसी में मिक्स कर दिया हूँ, अब देखते हैं यार क्या रहता है कैसा रहता है आज का मार्केट। चलो अब दुकान तो लगा लिए हैं, वेट करते हैं ग्राहक का। चलो गाइस पहला कस्टमर आ चुके हैं, चाचा टमाटर ले रहे हैं, टमाटर से बोहनी हो रहा है, आजा भैया टमाटर करेला भिंडी वाले सस्ता वाले यहाँ भाई, लूट मार वाला कोई काम नहीं, ताजा माल यहाँ मिलेगा, आजा भैया टमाटर करेला भिंडी वाले। वाले
आ जाओ भैया करेला टमाटर भिंडी वाले, ताजा टमाटर यहाँ मिलेगा भैया। कितना किलो भाई टमाटर? 40 रुपये भैया, कोई ना 30 लगाना आधे किलो क्वालिटी वाला टमाटर। अभी गाइस अपने साइड कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आप थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर रहते हैं, ये थोड़ा आउट एरिया पड़ जाता है। चलो कोई नहीं, बेचेंगे किसी भी तरह। और भाई कहाँ 30 रुपये दर, जो 800 का रेट कटे आज टमाटर, ग्राहक पूछ पूछ के जा रहे हैं आज टमाटर। चलो देखते हैं क्या होता है, चलो आज देखेंगे कैसा रहता है मार्केट। पिछले बार तो 600 रुपये के लॉस में गए थे और आज देखते हैं रिकवर हो पाता है या नहीं। बचा हुआ है उसको भी आज ही बेच रहे हैं। ये करेला है वो कल ही का बचा वाला है, आज नहीं लिया हूँ करेला अलग से। टमाटर भी था वही 9 किलो के आसपास, उसको भी इसमें मिक्स कर दिया हूँ। और भिंडी तो अपना बाड़ी का है भाई, आज बेच रहा हूँ इतना सारा भिंडी को बाड़ी का। पहली बार इतना सारा भिंडी लाया हूँ यार बाड़ी का, देख सकते हैं 30 किलो है लगभग। सामने में चंदू भैया मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है भैया? अरे आप बोल रहे थे ना मिले मिले, ऐसा लग रहा कोई मंत्र पढ़ रहा है शादी का। अरे सही में जोर से बोला करो यार। ठीक चलो गाइस हम वेट करते हैं ग्राहक का। अभी टाइम हो रहा है दोस्तों शाम के 5:40 और ये देखिए करेला बचा हुआ है, 2-3 किलो लगभग बिका है, ज़्यादा नहीं बिका है। और टमाटर भी आधा से ज़्यादा बचा हुआ है यार, अभी टमाटर उतना ज़्यादा नहीं बिका है। अभी चाचा टमाटर ले रहे हैं 35 रुपये किलो में दे रहे हैं भाई, एकदम रेट कम कर दिए। चलो अब किसी भी तरह बेचते हैं। आ जाओ भैया करेला टमाटर भिंडी वाले, सस्ता ही यार मिली भैया, लूट मार से बचो सस्ते में आओ। करेला टमाटर भिंडी वाले आज अब ये टमाटर करेला भिंडी वाले सस्ता ही में मिली। अभी बच गए हैं दोस्तों शाम के 7 और अपना लगभग सभी सब्जी बिक गया है, बस भिंडी को छोड़ के और थोड़ा सा आलू बच गया है, आलू का डिमांड ही नहीं है। ये देख सकते हैं एकदम कम रेट में बेचा हूँ आलू को, 18 रुपये खरीदी पड़ा था आलू, इसको 15 रुपये किलो में बेच दिया हूँ। और भिंडी को 15 रुपये किलो बेचा हूँ, 13 रुपये खरीदी का भिंडी पड़ा है, 13 रुपये किलो चल रहा था होलसेल में, वैसे बाड़ी का है फिर भी 13 रुपये किलो में जोड़ रहे हैं। और टमाटर वगैरह को भी एकदम कम रेट में सेल किया, 35 रुपये किलो में सेल कर दिया, शुरू में 40 किया, उसके बाद बचा उसको 35 में ख़त्म कर दिया, लास्ट में बचा तो उसको 30 रुपये किलो में दे दिया। कम से कम खरीदी रेट तो बने करके कल भी बच गया था यार, और आज भी बचाता तो फिर लॉस हो जाता, उससे अच्छा दे दिया, आज ख़राब ही हो जाता आज में, इससे अच्छा दे दिया जो भी बन जाए पैसा करके। अब प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है उसको तो घर में जाने की बात ही पता चलेगा। अब मार्केट भी ख़त्म हो चुका है यार, अभी तो अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। अभी बच गए हैं दोस्तों शाम के 7:30 और अपना भिंडी बच गया है यार, ये देखिए लगभग 10 से 12 किलो भिंडी बच गए, आधा बिका है आधा बच गया, और बाकी सब ख़त्म हो चुका है, सबको उठा लिए हैं, अब ऑटो में पैक करना है। चलो इसको ऑटो में पैक करके यहाँ से निकलते हैं।
अभी बच गए हैं दोस्तों रात के 10। और आज के मार्केट की बात करें तो ठीक था भाई आज का मार्केट, कल के मुकाबले तो बहुत अच्छा था। फिर भी आज भिंडी ज़्यादा ले गया था तो भिंडी बच गया है अभी 10 किलो के आसपास। बाकी सब बिक गया लेकिन एकदम कम कम रेट में बिका, खरीदी रेट में ही मान लो मार्जिन एकदम कम था, लोएस्ट मार्जिन में सेल किए हैं। कम से कम बिके तो करके, क्योंकि कल भी बच गया था, आज भी बचाता फिर कल खराब हो जाता, इससे अच्छा सेल कर दिया। चलिए बताता हूँ कितने का अपने को प्रॉफिट हुआ है। उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी थोड़ा बहुत हो चुका है भाई। उससे पहले इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ दोस्तों, तो अपना टोटल इन्वेस्टमेंट था 1780 रुपये का। 720 रुपये के एक कैरेट टमाटर लिए थे और 360 रुपये का भिंडी हो गया और 600 रुपये का आलू और टमाटर करेला बचा था। उसका मान लो कल का 600 रुपये लॉस में चल रहे थे और जो भी सामान बचा था उसका मान लो 600 और 100 रुपये गाड़ी भाड़ा मान लो टोटल हो रहा है दोस्तों 1780 रुपये का, जिसमें से ये देखिए 1780 रुपये ये मूलधन है। इसको पहले से ही गिन के रख लिया हूँ यार अलग से, 1780 रुपये है ये अपना मूलधन है। और ये जो मचे भाई साहब वो अपना प्रॉफिट निकला है आज, ये देख सकते हैं यार एकदम कम है। चलिए इसको गिन के दिखा देता हूँ, ये 20, 20, 40, 10, 50 तो मात्र 50 रुपये आज प्रॉफिट निकला है दोस्तों 2 दिन मेहनत करने के बाद। कल 600 रुपये लॉस में चल रहे थे और आज 600 कम से कम रिकवर तो हुआ, मुझे लग रहा था लॉस में चले जाएंगे करके, लेकिन फाइनली आज रिकवर हो गया और अलग से 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है। ज़्यादा प्रॉफिट हुआ रहता यार अभी भिंडी बचा हुआ है 10 किलो के आसपास, 10 रुपये किलो में कम से कम वो 8 किलो ही होगा तो भी 80 रुपये का हो जाएगा और 20 रुपये किलो गया तो 160 रुपये का भिंडी बचे है अभी। तो ठीक है दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, कुछ इसी प्रकार से रहा आज का मार्केट। सो कैसा लगा आज का ये ब्लॉग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ इसी प्रकार से खेती बाड़ी और वेजिटेबल सेलिंग से रिलेटेड ब्लॉग देखेंगे तो अगले ब्लॉग मिल जाएगी।